ब्रह्मांड, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें मौजूद है अनगिनत सितारे, गैलेक्सीज, नेबुलास, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, क्वेसर्स, पल्सार्स और कई सारे अजूबे जो हमारी सोच के परे है। तो क्या हम कभी हमारी पृथ्वी, हमारी सोलर सिस्टम और हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे के भविष्य और भूतकाल के बारे में जान पाएंगे कि इन सबका कई करोड़ साल बाद क्या हो सकता है? क्या कभी हम ब्रह्मांड की उन जबरदस्त फोर्सेस के बारे में जान पाएंगे जो दिखाई भी नहीं देती? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे पास है विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक नायाब अजूबा जिसे हम कहते हैं अंतरिक्ष की आंख। जी हाँ, वो है ब्रह्मांड के रहस्यों पर अंतरिक्ष से नजर रखने वाला हमारा सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप। तो आइए चलते हैं हबल के स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर पर, जहां हम जानेंगे हबल ने ऑब्जर्व किए हुए ब्रह्मांड के कुछ अजीबो गरीब अजूबे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, अद्भुत खगोल शास्त्र। April 24, 1990, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब धरती का सबसे जाना माना टेलीस्कोप स्पेस में दाखिल होने के लिए रवाना हुआ, और आज भी हमसे 563 किलोमीटर ऊपर कांस्टेंट ऑर्बिट में घूम रहा है। ये सिर्फ 96 मिनट्स में, यानी सिर्फ डेढ़ घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हबल टेलीस्कोप की। जब हबल टेलीस्कोप ने पहली बार अपना काम करना शुरू किया, तब नासा के सामने एक बड़ी समस्या आई। हबल टेलीस्कोप से जो तस्वीरें ली गई वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी, थोड़ी ब्लर थी। तब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि हबल टेलीस्कोप का जो मेन प्राइमरी मिरर या फिर आईना है, उसके कैलिब्रेशन यानी जब उसे कर्व करने के लिए घिसा जाता है, तब उसमें इंसान के बाल के 50वें हिस्से जितना कैलिब्रेशन रॉन्ग हुआ था। तो अब क्या कर सकते थे, पूरे मिरर को तो रिप्लेस करना नामुमकिन था। तो नासा ने इसका सिंपल बट असरदार सॉल्यूशन निकाला। जैसे किसी की आंखों से ठीक से दिखता नहीं तो चश्मा लगाते हैं, वैसे ही हबल को 3 साल बाद दिसंबर 1993 में एक स्पेस शटल मिशन से ये चश्मा भेजा गया और उसे नाम दिया गया कोस्टार, यानी करेक्टिव ऑप्टिक स्पेस टेलीस्कोप एक्सियल रिप्लेसमेंट। इसका साइज एक टेलीफोन बूथ जितना था, जिसे हबल के करेक्टिव मिरर्स के बीच में फिक्स किया गया। और इसके बाद हबल टेलीस्कोप ने जो M100 स्पाइरल गैलेक्सी की फोटो भेजी, वो इतनी क्लियर, क्रिस्प और शार्प थी कि नासा की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई। उसके बाद जो हबल की स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी शुरू हुई, वो आज तक लगभग 31 साल तक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कायम है। हबल टेलीस्कोप स्पेस में है, इसलिए ये इतना क्लियर और क्रिस्प देख सकता है। हम पीछे जाकर 13.3 बिलियन ईयर्स पुरानी लाइट भी देख सकते हैं, जो पृथ्वी पर स्थित बड़े से बड़ा टेलीस्कोप भी वातावरण की वजह से उतना क्रिस्प और क्लियर नहीं देख पाता। हबल का नाम 20वीं सदी के पायोनियरिंग एस्ट्रोनॉमर सर एडविन हबल के याद में रखा गया है। हबल टेलीस्कोप का साइज एक स्कूल बस जितना है और वजन है 12 टन, यानी 10,880 किलो। ये एक साइंटिफिक मिरेकल ही है। हबल टेलीस्कोप इमेजेस का डेटा ब्लैक एंड व्हाइट में भेजता है। उसके बाद स्पेस टेलीस्कोप एंड साइंस इंस्टीट्यूट के इमेज एक्सपर्ट्स उन इमेजेस को हबल के इंस्ट्रूमेंट के डिटेक्ट किए गए केमिकल एलिमेंट्स के हिसाब से रंग देते हैं। जैसे कि नीला रंग ऑक्सीजन दिखाता है, लाल सल्फर दिखाता है और हरा हाइड्रोजन दिखाता है। बाद में एडिशनल डेटा के आधार पर मोशन जोड़ दिया जाता है। हबल का मिशन खूबसूरत पिक्चर्स पे नहीं रुकता, बल्कि ये सारा डेटा एक आर्काइव में चला जाता है। इसमें वो छोटे से छोटा डेटा है जो हबल टेलीस्कोप ने हर एक सेकेंड में लिया है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मजेदार लिंक शेयर की है, जिसपे आप आपकी बर्थ डेट डालोगे तो उस दिन हबल टेलीस्कोप ने कौन सी इमेज कैप्चर की है वो आपको दिखाई देगी। है ना मजेदार। चलिए अब मुड़ते हैं उन अजीबो गरीब चीजों की तरफ जो हबल से देखी गई है। तो जुलाई 1994 में
शूमेकर लेवी 9 नाम का एक धूमकेतु यानी कॉमेट जुपिटर के बेहद नजदीक से गुजरने वाला था, और ये 1.5 किलोमीटर लंबा कॉमेट जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर जुपिटर पर ही कोलैप्स हो गया। और इस घटना का सबसे पहला गवाह था हमारा हबल टेलीस्कोप। हबल ने जो तस्वीरें ली उसमें SL9 यानी शूमेकर लेवी 9 के टुकड़े एक लंबी कतार में जुपिटर पर इंपैक्ट छोड़ते हुए दिखाई दिए। उसे कहा गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सच में ऐसी अद्भुत कॉस्मिक हिस्ट्री सिर्फ हबल की वजह से ही हम इतनी नजदीक से देख पाए। 1995 में हबल को मोड़ा गया कॉन्स्टेलेशन ऑफ सर्पेंट्स के ईगल नेबुला की तरफ, और तब साइंटिस्ट को पता चला तारों के जन्म का राज। ये हबल से भेजी गई ईगल नेबुला की पहली तस्वीर है जो 65,000 लाइट ईयर्स दूर है। 65,000 लाइट ईयर्स। ये गैस और डस्ट से बने 3 बहुत बड़े पिलर्स दिखाती है। लेफ्ट वाला पिलर तो लगभग 4 लाइट ईयर्स ऊंचा है। ये सेलेस्ट्रियल पिलर्स अपनी बारीकियों के साथ पहले कभी नजर नहीं आए थे। पहली बार साइंटिस्ट ने देखा कि हर पिलर गैस के एक छोटे छोटे क्लम्पसेस से भरा पड़ा है, और इनमें से कुछ क्लम्पसेस में छोटे तारे जन्म लेते हुए भी दिखाई दिए। ये हमारी सोलर सिस्टम के जन्म की कहानी को बयां करता है। 2014 में यानी लगभग 20 साल बाद हबल ने इन पिलर्स ऑफ क्रिएशन को फिर से देखा तो वहां दिखाई दिए हजारों स्टार्स जो नया जन्म ले चुके थे। और किसी किसी इमेज में तो हबल ने एस्ट्रोफिजिकल जेट्स भी देखे जो तारे यानी स्टार के बनने के पहले की प्रक्रिया होती है। सचमुच हबल की वजह से हमें तारों के जन्म की असली कहानी आंखों देखी दिखाई दी। पर जहां जन्म होता है वहां मृत्यु भी होता है। 2004 में हबल ने हमें हमारे अंत की एक झलक दिखाई, हीलिक्स नेब्यूला। जब तारे का अंत होता है तब आउटर लेयर फैलते हुए अपने साथ सॉलिडिफाइड ऑक्सीजन एंड कार्बन का झुलसता हुआ गर्म गोला छोड़ती है, और जिस तारे को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। और यही चीज हमारे सूर्य के साथ भी होगी। तो हमारे पास सिर्फ 5 अरब साल ही बचे हैं, उसके बाद सूर्य के साथ पृथ्वी का भी जीवन खत्म हो जाएगा। पर कुछ स्टार्स बहुत ही बड़े और हमारे सूर्य से कहीं 1,000 गुना बड़े होते हैं, और उनका जब अंत होता है तब बनता है सुपरनोवा। और हबल ने हमें उस सुपरनोवा की एक्सपांड होती हुई तस्वीर यानी क्रैब नेबुला की तस्वीर दिखाई, जिसका असली एक्सप्लोजन लगभग 1,000 साल पहले यानी 1054 में भारतीय और चाइनीज सभ्यताओं ने रिकॉर्ड भी किया है। हबल ने हमारे सन से 100 गुना ताकतवर ईटा कराइना नाम के स्टार की इमेजेस भी ली है, जिससे हमें ये पता चला है कि ऐसे भी स्टार्स एग्जिस्ट है जो अपने ही गैस को संभाल नहीं पाते और अपने साइड से एक्सप्लोजन पैदा करते हुए फट जाते हैं, और ये पूरे फटने के बाद पैदा होता है ब्लैक होल। हबल से पहले ब्लैक होल का कोई पक्का सबूत नहीं था, पर इस ना दिखने वाली चीज को देखा कैसे जाए। तब हबल की नजर पड़ी गैलेक्सीज के सेंटर यानी कोर पर, जहां साइंटिस्ट ने देखा कि गैलेक्सी के कोर के आजू बाजू के तारे बहुत तेजी से घूम रहे हैं। आमतौर पर तारे ऐसा बर्ताव नहीं करते, पर गैलेक्सी की सेंटर में तारे ऐसा बर्ताव सिर्फ एक ही चीज की वजह से कर सकते थे, और वो था ब्लैक होल। और आखिरी में मुड़ते हैं हबल डीप फील्ड की तरफ, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में सिर्फ एक एम्प्टी पैच दिखाई देता है जहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब हबल ने लगातार 10 दिन तक इस जगह का ऑब्जर्वेशन किया और इमेजेस भेजी तब वो हैरान कर देने वाली थी। हबल के इस तस्वीर का हर एक डॉट कोई तारा नहीं है, बल्कि हर एक डॉट एक पूरी गैलेक्सी है। ऐसी हजारों की तादाद में गैलेक्सीज हबल ने देखी, जिसमें हमारे मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज और एक दूसरे से टकराती हुई गैलेक्सीज भी मौजूद है। ऐसा ये महान हबल टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स की गहराइयों में ले जा रहा है, और अगले 20 से 30 सालों तक हबल हमारे साथ रहेगा। लेकिन हबल की जगह लेने वाला जेम्स वेब टेलीस्कोप जल्द ही स्पेस में जाने के लिए रेडी है, जो हबल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो पता नहीं हम उससे और क्या क्या रहस्य सुलझा पाएंगे। पर हबल और जल्दी ही जेम्स वेब इंसानी दिमाग को वक्त की शुरुआत और अंत में ले जा रहे हैं।
दुनिया को देखकर हमारी हैरान होने वाली काबिलियत से बहुत आगे। पर दोस्तों, जब ही स्पेस टेलीस्कोप का नाम लिया जाएगा, हबल का नंबर हमेशा पहला होगा। और अब आपको सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल, तो सवाल यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर क्या है और उसकी फोकल लेंथ क्या है? फिर से एक बार, जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर कितना है और उसकी फोकल लेंथ क्या है? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और खोजते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।